डेढ़ किलो चरस के साथ पांच व्यक्ति गिरफ्तार। इलाहाबाद में पांच स्मैक के तस्कर गिरफ्तार करे गए हैं। इनके पास से लगभग डेढ़ किलो स्मैक और पाउडर जो इसमें ये मिलाते हैं 150 इसकी पुड़िया बरामद हुई हैं। 1,30,00,000 रुपया इनसे बरामद हुआ है और काफ़ी ज्वेलरी करीब 14 तोले के आसपास ज्वेलरी जो ये छिनैती करके या लूट करके जो लोग इसमें खरीदते थे उसके बदले में उनको चेन और सोने का सामान दे देते थे वो सामान भी इनसे बरामद हुआ है। ये एक अंतर राज्य गैंग है जो विभिन्न राज्यों में ऑपरेट करता है। ये लोग बक्सर मध्य प्रदेश वगैरह से स्मैक की खरीदारी करते हैं और इनकी छोटी छोटी पुड़िया बनाकर विभिन्न जगहों पर इनको बेच करके नए उम्र के लोगों को दिग्भ्रमित करके उनको ये बेचते हैं। कि अभी जो जानकारी मिली है जो इंटरोगेशन हुआ है उसके अनुसार ये लोग इसने कबूला है इसको ये बक्सर से लेकर के आता था। उस व्यक्ति का नाम भी पुलिस को ज्ञात हो गया है जिससे ये खरीदता था। पुलिस उस मेन सप्लायर की भी तलाश कर रही है और यहाँ पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों को विभिन्न जगहों पर बेचता था। इसमें से कुछ लोग पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके हैं।